Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Psalm 101. 121 भजन. अखियां झुकना मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किसनू पुकारा. अखियां झुकना मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किसनू पुकारा. मेरी मदद नू रब आ आपे आया आपे आया. मेरी मदद नू रब आ पे आया. जिसने धरती आकाश बनाया मेरे पैरानू देवे खुलारा मेरे पैरानू देवे खुलारा मदद लाई यस्सू नू पुकारा. मदद लाई यस्सू नू पुकारा. अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा मदद लाई यस्सू नू पुकारा. मदद लाई यस्सू नू पुकारा. आपे मेरा यहोवा ताला आपे मेरा यहोवा ताला मेरे सिर ते ओ छां करन वाला शुक्रे उसे दहर दम गुजारा मदद लाई यस्सू नू पुकारा. मदद लाई यस्सू नू पुकारा. मदद लाई यस्सू नू पुकारा. हालेलुया. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो. हालेलुया. प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो. जबूर तो ये सुबह का है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है. साम 63 जबूर नंबर 63. तड़के मैं तैनू ढूंढा तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे
खुदाया या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तैनु ढूंढा, मेरी जान तेरी तिहाई, मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुशक साई, तुपने जमीन जलाई, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, तड़के मैं तैनु ढूंढा। मेरे संग आए तुद नाल प्रीत मेरी, एक सेकंड प्लीज जरा होल्ड करें, आई जस्ट फॉरगॉट, वो भूल गया मैं एयरपॉड्स। Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपको मेरी आवाज आ रही है? Hallelujah. Thank you, Jesus. तुद नाल प्रीत मेरी, हथ तेरा दे दलेरी, जो चांदी जान मेरी, मत मारदा पकाया, तड़के मैं तैनु ढूंढा, तड़के मैं तैनु ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तैनु ढूंढा, तड़के मैं तैनु ढूंढा, जावन पताल सारे तलवार नाल मारे, बदहाल हुए बेचारे, गिदड़ां ने सब नुखाया, तड़के मैं तैनु ढूंढा, तड़के मैं तैनु ढूंढा। हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम, लॉर्ड वी ग्लोरिफाई यू, Lord, we thank you for your presence, for the presence of your Holy Spirit. Lord, we give you praise, 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 give you praise. Lord, we give you praise, give you praise. Hallelujah. Tera lahu hai mel ka paigham, tere lahu mein sab chehra,
तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू, हालेलुया। परस्तिश की माला ये तेरे लिए है, परस्तिश की माला ये तेरे लिए है, तेरे लिए मेरी जिंदा मसीह, दिल भी ये तेरा, जान भी ये तेरी, तू शहनशाह है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा। सारे लक्ष्मी शाइनिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है, पूजते पूजते चूमते चूमते, गाइए, पूजते पूजते चूमते चूमते, चाहत में तेरी गुजरे हर दिन, दिल भर है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा, हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू, हालेलुया। गाइए, हालेलुया फॉर द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी रेन्स, हालेलुया, हालेलुया for the Lord God Almighty reigns. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the land? You are holy. Holy, hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. We bless you.
be glorified. Holy Spirit, move. Move in a very special manner. Holy Spirit, bring new revelation to the heart of your people. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yeshu Masih ke naam mein aap sabko khushamdeed aur shalom aur jai khudaavand Yeshu Masih ki. Hallelujah. Aaj subah main pahadon ki baat kar raha tha. 12 mountains that Jesus climbed up and 12 mountains that we will have to climb up. To do mountains ki maine baat ki, lekin abhi wo 10 aur jo pahad hain उन पे मैंने बाद में बात करनी है. वो 10 पहाड़ों के लिए कम से कम 5 घंटे की 5 सेशंस चाहिए हमें. लेकिन अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आपसे बात करने जा रहा हूं. हालेलुया. एक बहुत खास विषय के ऊपर. आपने अक्सर देखा होगा मेडिकल साइंस. मैंने फेसबुक पे जो पोस्ट डाली है उसके अंदर मैंने वो तस्वीरें देखी हैं. आपने अक्सर देखा होगा मेडिकल साइंस का एक लोगो होता है, ऐसे एक रॉड होती है, उस रॉड के इर्द गिर्द सांप लिखता हुआ है. और साउंड प्लीज बोल रहे हैं, आवाज आ रही है या नहीं? सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? मुझे बताइए प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया. मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा आपका. मेरी आवाज आ रही है आपको, सब लोगों को? मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्लीज टेल मी. लो वॉल्यूम. मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम किया हुआ है. अब आवाज आ रही है मेरी आपको? कुछ लोग कह रहे हैं यस. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो आपने देखा होगा मेडिकल साइंस का जो एम्बलम है, जो लोगो है, एक ऐसे रॉड है उसके इर्द गिर्द सांप लिपटा हुआ है. और आपने ऐसा भी सिंबल देखा होगा कि एक ऐसे रॉड है उसके इर्द गिर्द दो सांप ऐसे लिपटे हुए हैं. वो जो दो सांप वाला ऐसे सिंबल है उसे कदूसिस बोलते हैं. कदूसिस वो असल में प्राचीन समय में लोगो था, कॉमर्स का, कारोबार करने वाले लोगों का. उस जमाने में गिल्ड्स बनते थे, गिल्ड कारोबार करने के. और जो लोग जिनके पास स्किल होते थे उनके गिल्ड बनते थे और कारोबार की एसोसिएशन होती थी. उनका वो एम्बलम है ऐसे एक रॉड को दो सांप लिपटे हुए हैं. लेकिन जो ऐसे रॉड है उसके इर्द गिर्द जो सांप लिपटा है, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही. तनुजा सेठ जी, आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे लग रहा आ रही है. सुनिए, उसे जो एक रॉड के इर्द गिर्द सांप जो लटका हुआ है उसे कहा जाता है रॉड ऑफ इक्लिप्सिस. रॉड ऑफ इक्लिप्सिस. इक्लिप्सिस कौन है? ये यूनानी लोगों का एक देवता है. ये मेडिसिन का, सर्जरी का, फार्मेसी का और चंगाई का देवता है. हालेलुया. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में से पढ़ें, एक वचन पढ़ें. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में से एक वचन पढ़ें, फिर मैं आपको प्रकाशित वाक्य 12:9 एक बड़ी गहरी शिक्षा आज हम करने जा रहे हैं. रेवलेशन 12 एंड वर्ड्स नंबर 9. प्रकाशित वाक्य 12:9 सुने. फॉर द ग्रेट ड्रैगन वॉज कास्ट आउट द सर्पेंट ऑफ ओल्ड कॉल्ड द डेवल एंड सैतन हु डिसीव्स द होल वर्ल्ड and was cast to the earth and his angels were cast out with him. तो ये जो सांप है जो ड्रैगन बन गया है, ये सांप जो अदन के बाग वाला है, ये पूरी दुनिया को भरमाता है. हालेलुया. आपको मालूम ड्रैगन के लिए जो वर्ड है ग्रीक में वो है ड्रैकोनिया, जिसका मतलब है जादू कर देना, टू मेस्मराइज, मोहित कर लेना, किसी को वश में कर लेना. तो ये काम है इसका, सांप का. ये क्या करता है? भरमाता है. तो ये सांप लकड़ी के स्टाफ के ऊपर, लकड़ी की रॉड के ऊपर ये जो सांप बना हुआ है, जो चंगाई का देवता है, इसका नाम है इक्लिप्सिस.
ACULPIS, इक्लिप्सिस एक देवता है यूनानी लोगों का, ग्रीक पैंथियन में ये एक देवता है जो लोगों को चंगाई देता है। हालेलुया। अगर आप एंशंट ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका जिक्र है। तो जो सात कलीसियाएं बाइबल के अंदर हैं, सात कलीसियाएं, सुनिएगा ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह उन कलीसियाओं के नाम यूहन्ना के नाम, यूहन्ना के द्वारा चिट्ठी लिखवाता है कि उन कलीसियाओं को मेरी चिट्ठी दी जाए। तो सुनिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 12 वचन, एंड टू द एंजल ऑफ द चर्च एट पर्गमम राइट, कलीसिया के दूत के लिए जो पर्गमम की कलीसिया का दूत है उसके लिए ये लिख, दीज थिंग सेज ही हु हैज शार्प टू एज्ड सोर्ड। मैं आगे से पढ़ता हूं, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है यहां पे, इसका 17 वचन, ये बहुत गहरा है, मैंने इसके ऊपर 3 घंटे की शिक्षा डाली है फेसबुक पे, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें से 17 वचन लेता हूं। ही हु हैज एन ईयर, जिसके कान हो वो सुन ले व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस, रू कलीसियाओं से क्या कहता है, टू हिम हु ओवरकम्स आई विल गिव सम हिडन मन्ना टू ईट एंड आई विल गिव हिम व्हाइट स्टोन एंड ऑन द स्टोन ए न्यू नेम रिटन व्हिच नो वन नोज एक्सेप्ट हिम हु रिसीव्स इट। यीशु मसीह कलीसिया के अंदर इस देवता का जिक्र कर रहा है जिसके विषय में अभी हम सीखेंगे। तो यूनानी लोगों का जो पैंथियन है, यूनानी लोगों के जो देवता हैं, जिनका सबसे बड़ा देवता जूस बन गया, जूस, हेडीज और पोसाइडन, ये 3 देवता थे। जूस आकाश का देवता है, पोसाइडन पानियों की गहराई का देवता है, और हेडीज पताल का देवता है। तो एक और देवता है जिसका नाम है अपोलियन, अपोलियन ग्रीक भाषा में अपोलियन और हिब्रू में अबदॉन। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के अंदर उसके विषय में लिखा है, ये जो देवता है ये फॉलन एंजल है, वो जो गिराए दूत जिन्हें परमेश्वर ने जंजीरों के साथ, पत्रस की पत्री में लिखा है, अथाह कुंड में डाला हुआ है। यहूदा अपनी पत्री में लिखता है, जिन्होंने वो फरिश्ते जिन्होंने कुकर्म किया, परमेश्वर ने न्याय के लिए जंजीरों से बांध के रखा, टार्टरस में डाला हुआ है। हेडीज के नीचे एक जगह है टार्टरस, जहां पे उन दूतों को बांधा हुआ है। अपोलियन एक फॉलन एंजल है, वो 200 दूत जो हरमन पहाड़ पे उतरे, एक उनमें से है अपोलियन। अपोलियन इज अ फॉलन एंजल एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी, इफ यू स्टडी द ग्रीक पैंथियन, देयर इज ए गॉड कॉल्ड अपोलियन एंड दिस गॉड अपोलियन ही मैरीज ए मॉर्टल वुमन, हर नेम इज कोरोना। ये जो देवता है ये फॉलन एंजल है और हरमन पहाड़ पे उतरते हैं और ये एक स्त्री से शादी करता है, समझ रहे हैं आप, उस स्त्री का जो नाम है वो है कोरोना, कोरोना वायरस, समझ रहे हैं आप। ये सारी की सारी चीजें, ये ग्लोबलिस्ट, फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी जो इस दुनिया को चला रहे हैं, वो ग्रीक पैंथियन के लिहाज से ये सब चीजें कर रहे हैं। तो बॉटमलेस पिट के अंदर अबसुसो, ग्रीक वर्ड इज अबसुसो, अपोलियन हु इज गॉड इन ग्रीक पैंथियन इज कॉल्ड अबदॉन इन हिब्रू, इज इनकार्सुरेटेड इन टार्टरस बाय द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड इन रेवलेशन चैप्टर नंबर 9 ही विल बी अनलीश्ड। तो ये जो देवता है इसके संग बहुत बदरुए हैं, बड़ी बड़ी जानवर स्कॉर्पियन की तरह, टिड्डियों की तरह निकल रही है, स्कॉर्पियन की तरह, बिच्छू की तरह डंक मारती हैं ये बदरुए, और ये बदरुए लोगों को डंक मारेंगी जिनके माथे पे यहोवा की सील नहीं है, और 5 महीने तक ये दुख देंगी, क्योंकि बाइबल के विद्वान मानते हैं 5 महीने तक वो जो वॉचर थे, गिराए गए दूत थे, उनकी जो औलाद पैदा हुई, नफलीम पैदा हुए, गिबरीम पैदा हुए, 5 महीने तक यहोवा ने तड़फा के उनको पानी में मारा है, जब जल प्रलय आई नूह के समय की, तो 5 महीने वो अपना बदला ले रहे हैं मनुष्य जाति से। जिसे डसते हैं वो व्यक्ति मौत मांगता है लेकिन मौत उसे मिलती नहीं है, ऐसा भयंकर समय
आने वाला है भाई और बहनों। तो आप ग्रीक कल्चर पढ़ लें, ग्रीक संस्कृति पढ़ लें, आप रोम की संस्कृति पढ़ लें, आप सुमेरियन लोगों की संस्कृति पढ़ लें, आप अकेडियन लोगों की संस्कृति पढ़ लें, आप कसदियों की कैल्डियन की संस्कृति पढ़ लें, मिस्र के लोगों की संस्कृति पढ़ लें, आप इंडिया के लोगों की संस्कृति पढ़ लें। हमारे देश की पुस्तकों में जो देवते हैं वो फॉलन एंजल हैं, वो गिराए गए दूत हैं जो स्त्रियों के संग संग करके सहवास करके अजीब किस्म की औलाद पैदा करते हैं। फिर वो जो उनकी औलाद है वो जानवरों के संग भी शारीरिक संबंध बनाती है, आकाश के पंछियों के संग भी शारीरिक संबंध बनाती है, पानी के जलचरों के संग भी शारीरिक संबंध बनाती है। इसलिए पानी के अंदर जल परियां हैं, इसलिए पानी के अंदर लिवायथन नाम की बदरू है, इसलिए पानी के अंदर ताहोम तियामात नाम का एक देवता है, इसलिए ड्रैगन्स थे बड़े बड़े जो हवा के अंदर है, फजा के अंदर है। इसलिए भाई और बहनों जमीन के नीचे रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले अजीब किस्म के जानवर और जंतु हैं, ये सब उस समय पैदा हुए हैं। तो इनका जिक्र हर संस्कृति में आपको मिलेगा। तो ये कौन है? फॉलन एंजल की जो औलाद है वो डीमंस हैं, बदरुए, वो दुष्ट आत्माएं बन गई हैं, वो मर गए जल प्रलय में, यहोवा ने मार दिया, तो उनकी सोल बदरुए बनी है, डीमंस, इन्हें डेमी गॉड कहते हैं। तो अपोलियन की पत्नी है एक औरत कोरोना, और इन दोनों के बेटा जो पैदा होता है उसका नाम है एस्किलिपियस। एस्किलिपियस जो है कोरोना और अपोलियन की औलाद है। कोरोना समझे आपने, कोरोना वायरस कहां से आया? और ये जो एस्किलिपियस है ये यूनानियों का देवता है, मेडिसिन का, सर्जरी का, दवाइयों का, चिकित्सक विज्ञान का। और ये जो देवता है इसका सिंबल है एक रॉड और उसके चारों ओर सांप लिपटा हुआ है। इसलिए ही जितनी दुनिया की मेडिकल एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA, उसका सिंबल भी यही है, एक रॉड के संग सांप लिपटा हुआ है। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का सिंबल देखें, ऐसे दो सांप लिपटे हुए हैं, वो कदूसिस का सिंबल है, वो असल में इक्लिप्सिस का सिंबल नहीं है, लेकिन ऐसे दो सांप लिपटे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एम्बलम यही है। आप मेडिकल कॉप्स का सिंबल देखें, आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल देखें, पूरा ग्लोब है और ऐसे रॉड के ऊपर सांप है। आप फाइजर जो कंपनी है दवाइयां बनाने वाली, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी बनाई है, उनका सिंबल भी देख लीजिएगा। दुनिया की हर मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, सबका सिंबल क्या है? एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस देवता था यूनान का, जो चंगाई देता था, जो डॉक्टरी विज्ञान मेडिकल साइंस का गॉड है, डेमी गॉड है। तो अपोलियन और कोरोना दोनों की औलाद है इक्लिप्सिस, एक्लिपियस। ये किसे दिखा रहा है? इक्लिपियस कोरोना और उनकी औलाद जो देवता है मेडिसिन का, मेडिसिन का, सर्जरी का, फार्मास्यूटिकल का जो देवता है, कौन है वो? इक्लिप्सिस। एक दुनिया के अंदर विज्ञान है लोगों को चंगा करने का, सर्जरी करने का, मेडिसिन का, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, पता नहीं कितने कितने विज्ञान है, सबका देवता एक ही है, ऐसे रॉड के ऊपर सांप लिपटा हुआ है, उसका नाम है इक्लिप्सिस। ग्रीक लोगों का चंगाई का देवता था वो, ग्रीक गॉड। कोरोना और अपोलियन की औलाद है ये, इसलिए सब का चिन्ह यही है। आपको मालूम, पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में, और उससे पीछे चले जाएं आप 300-400 BC में चले जाएं, तो बड़े बड़े मेजर सिटीज के अंदर क्लिनिक होते थे, क्लिनिक ऑफ एक्लिप्सिस, एक्लिपियस, एक्लिपियस देवता के क्लिनिक होते थे, बड़े 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 चिकित्सालय, बड़ी बड़े हॉस्पिटल थे इस देवता के, जिसका ऐसे रॉड के ऊपर देवता का चिन्ह बना होता था। और परगमम की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस चीज का इशारा कर रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि परगमम में भी एक प्राचीन इक्लिप्सिस जो गॉड है मेडिसिन का, उसका एक मंदिर था।
इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे, यहाँ पे डॉमिटोरीज बनी हुई थी, बहुत बड़ी जगह थी, हजारों लोग वहां पे रह सकते थे। वहां पे खास म्यूजिक बजता था, उसकी फ्रीक्वेंसी लोगों के कानों में पड़ती थी, एक अजीब किस्म का म्यूजिक जो लोगों को मेस्मराइज करता था। फिर लोग वहां पे बैरिकेड में डॉमिटरी में सोते थे, तो हार्मलेस सांप, ऐसे सांप आते थे जो नुकसान नहीं करते थे, जिनमें जहर नहीं होता था, वो सांप लोगों की बॉडी के ऊपर क्रॉल करते थे पूरी रात। तो इक्लिप्स देवता आके सांप देवते लिपटते थे, लोगों को चंगा करते थे। और ये मान्यता थी कि रात को जो इक्लिप्सिस देवता है, वो रात को लोगों को ख्वाब में दर्शन देता है और लोगों का डायग्नोस करता है और प्रिस्क्रिप्शन भी देता है, बताता है क्या बीमारी है वो देवता ख्वाब में, और फिर उस बीमारी का इलाज, उस बीमारी की दवा भी वो देवता देता है। ये मिथ थी। तो स्टाफ ऑफ इक्लिप्सिस जो मेडिकल एसोसिएशन का चिन्ह है, ये एक शैतानी चिन्ह है। ये शैतान ने लोगों को चंगा करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, समझ रहे हैं आप? शैतान का एक चंगा करने का सिस्टम है। तो जो लोग आते थे ये जो इक्लिप्सिस के क्लिनिक में, इक्लिप्सिस के हॉस्पिटल में, यहां तक मैंने पढ़ा है, रोमन हिस्ट्री में पढ़ा है कि सीजर्स भी आते थे यहाँ पे, कैसर्स भी आते थे, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े पदाधिकारी, किंग्स, नोबल्स, प्रिंसेस, वो यहाँ पे आके रुकते थे, कई कई दिन रुकते थे, रात को सांप उनकी बॉडी पे लोटते थे, म्यूजिक सुनते थे, हिप्नोटाइज होते थे, अलग अलग किस्म की मेस्मराइजेशन होती थी वहां पे, कई किस्म की मेंटल थेरेपीज, इमोशनल थेरेपीज और साइकोलॉजिकल थेरेपीज लोगों को दी जाती थी, और लोगों को सुपरनेचुरली डायग्नोसिस मिलता था और सुपरनेचुरल प्रिस्क्रिप्शन लोगों को मिला करती थी। हालेलुया। आपको मालूम हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, एक जो हिप्पोक्रेट, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, उसके नाम से बनी हिप्पोक्रेटिक ओथ। एक सुगंध खाते हैं कौन लोग जो डॉक्टर बनते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इनवोक करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, वो कहते हैं, आई स्वेयर बाय गॉड अपोलो द ग्रेट फिजिशियन, आई स्वेयर बाय एस्कुलिप्सिस हिज सन, आई स्वेयर बाय हाइजीसिया एंड आई स्वेयर बाय पेनिसिया। हाइजीसिया एंड पेनिसिया ये टर्म्स हैं, ये स्टेजेस हैं साइकिक दुनिया में जाने की, जहां पे मनोवैज्ञानिक साइकिक ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये जो सांप है, ये शैतान है जो उसके ऊपर बना हुआ, इसका रेफरेंस कहाँ है बाइबल में? चलिए मेरे साथ गिनती की पुस्तक 21 अध्याय निकालिए, नंबर्स चैप्टर नंबर 21, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ सिखाने जा रहा है, कुछ गहरी बातें, तो ध्यान से सुनिए। 21 अध्याय उसके 4 वचन से पढ़ता हूं, 21 का 4। देन दे जर्नीड फ्रॉम माउंट होर बाय द वे ऑफ द रेड सी टू गो अराउंड द लैंड ऑफ ईडम, एंड द सोल ऑफ द पीपल बिकेम वेरी डिस्करेज्ड ऑन द वे, एंड द पीपल स्पोक अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट मोसेस। 10 बार इन्होंने पाप किया, मैंने आपको मैसेज दिया विल्डनेस में, और इनका पाप क्या था? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, अविश्वास और परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता था कि कहते, व्हाई हैव यू ब्रॉट अस हियर आउट ऑफ इजिप्ट टू डाई इन द विल्डरनेस, देयर इज नो फूड, नो वाटर, एंड अवर सोल लोथ्स दिस वर्थलेस ब्रेड। सो द लॉर्ड सेंट फायरी सर्पेंट अमंग द पीपल, सो दे बिट द पीपल एंड मेनी ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल डाइड। यहोवा ने सांप भेजे, आग के सांप, अग्नि में सांप भी हैं, यहोवा के आर्सेनल में बहुत सी चीजें हैं, यहोवा के बहुत से हथियार हैं, ये जो डेमी गॉड्स हैं, फॉलन एंजल हैं, डीमंस हैं, यहोवा इन्हें इस्तेमाल करता है, इन गॉड्स एंड गॉडेसेस को आज्ञा देता है, ये यहोवा की आज्ञा मानते हैं, लोगों पे दंड लाते हैं। तो वो फायरी सर्पेंट आ गए, लोगों को डसने लगे, और प्लेग आ गई, प्लेग।
तब परमेश्वर के दास मूसा ने यहोवा के आगे प्रार्थना की, विनती की, तो यहोवा ने कहा एक ब्रॉन्ज सर्पेंट बना, पीतल और तांबे का जो मेल होता है, ब्रॉन्ज सर्पेंट, कॉपर का एक सांप बना, और प्रभु यहोवा ने उसे क्या कहा, इसे ऐसे खड़ा कर दे लकड़ी के ऊपर। लकड़ी को भी पेड़ कहा जाता है हिब्रू में, इवन द पीस ऑफ फर्नीचर इज कॉल्ड ट्री, उसे ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर खड़ा कर दे, और प्रभु ने कहा जो कोई इस सांप को देखेगा वो चंगा हो जाएगा। तो लोग सांप को देखने लगे, ब्रेजन सर्पेंट को, और उसी समय प्लेग रुक गई। आपको मालूम इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह दोहराते हैं किसके साथ, निकुदेमस के साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14-15 में यीशु मसीह कहते हैं जैसे मूसा ने सांप को ऊंचा किया वैसे मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह ऊंचा किया जाएगा, जैसे पेड़ पे उस सांप को लटकाया गया वैसे मुझे पेड़ पे लटकाया जाएगा। जैसे वो सांप चंगाई का सिंबल है, संसार की चंगाई की व्यवस्था है, वैसे मैं स्वर्गीय चंगाई की व्यवस्था बनूंगा, और प्रभु कहते हैं ऊपर लटकाया जाएगा, जो कोई उसको देखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:40 में कहते हैं कि पिता की ये मर्जी है कि जो कोई पुत्र को देखे, यीशु मसीह को देखे, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्रूस पे लटका मसीह आपको दिखाई देना चाहिए, तब आप क्रूस का मरम समझेंगे, तब अंदर से आप जानेंगे प्रभु कौन है। क्रूस की व्यथा, पीठ पे पड़े कोड़े, नुची दाढ़ी, मुंह पे डाला गया थूक, इधर कांटों का ताज, पसली में भाला, लहू लोहान बदन गॉड मैन का, द वन हु इज एब्सोल्यूट गॉड ऑफ हेवन, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द वन हु बिकेम ए परफेक्ट मैन, ही डाइज ए हॉरिफिक डेथ फॉर यू एंड मी ऑन द क्रॉस। व्हेन यू कैप्चर दैट रेवलेशन यू आर ट्रूली सेव्ड। अगर आपको देख लेंगे तब आप कभी नाश नहीं होंगे। बहुत से लोगों के पास ये दर्शन नहीं है, इसलिए लोग प्रभु में आते हैं और प्रभु को छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं देखते, पादरियों को देखते हैं, पापा डैडियों को देखते हैं, उनके करिश्मों को देखते हैं, कैरिस्माटा को देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते। जो यीशु को देखेगा वो कभी नाश नहीं होगा। यूहन्ना 6:40, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14-15। आपको मालूम उस सांप को इसराइलियों ने उतारा, उसे उन्होंने वेलवेट के कपड़े में लपेटा होगा, उसके लिए उन्होंने एक बॉक्स तैयार किया, उसे उन्होंने देवता बना दिया, उसकी पूजा करते थे, उसे धूप चढ़ाते थे, उसका नाम नहुष्ठान। दूसरा राजा 18:4 पढ़ लीजिए, 3-4-5 पढ़ लीजिए, हिजकिया राजा ने उस सांप को चूर चूर करके फेंका। इसराइली उस सांप की पूजा करते थे। आपको मालूम लोग किसकी पूजा करते हैं? एक अनुभव जो प्रभु ने उनको दिया सांप को ऊंचा करके, प्रभु इशारा यीशु की ओर कर रहे थे जो आने वाला है, जो दुनिया की मुकम्मल चंगाई है, लेकिन लोग उस एक अनुभव की, एक तजर्बे की पूजा करने लगे। कई लोग अपने तजर्बे की पूजा करते हैं, बड़े अहंकार से बोलते हैं हम तो 50 साल से सेवा कर रहे हैं, हमें 50 साल का तजर्बा है। आप अपने तजर्बे की पूजा कर सकते हैं, प्रभु की नहीं। हालेलुया। तो हिजकिया राजा ने उस सांप को चूर चूर कर दिया। क्यों? क्योंकि चंगाई आती है यहोवा से, असली हीलिंग यीशु मसीह के कोड़ों की कुदरत के द्वारा आती है। तो परगमम के अंदर एस्केलेपियस देवता भी चंगाई देता है। तो जब लोग वहां पे आते थे, बड़े बड़े राजा लोग पूरी दुनिया से एस्केलेपियस देवता से चंगाई लेने के लिए परगमम में आते थे, कुछ दिन वहां ठहरते थे, रात को जब सोते थे तो सांप लौटते थे उनके बदन पे। ख्वाब में एस्केलेपियस देवता दर्शन देके उन्हें उनका डायग्नोसिस बताता था और प्रिस्क्रिप्शन देता था, और वो लोग मानते थे हम चंगे हो गए। उस जमाने में तो उन लोगों को खाने के लिए रोटी दी जाती थी, खास किस्म की रोटी जो एस्केलेपियस देवता के आगे मखसूस की गई होती थी। एस्केलेपियस देवता को डेडिकेट, कॉन्सिक्रेट की गई होती थी, वो रोटी देते थे खाने के लिए। और जब लोग जाने लगते थे तो एस्केलेपियस देवता
कि टेम्पल में से उन्हें एक काला पत्थर दिया जाता था, उस काले पत्थर पे उस व्यक्ति का नाम होता था। तो जितने लोग वहां पे आते थे सबके नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते थे, इतने लोगों ने चंगाई हासिल की, और हर व्यक्ति को एक काला पत्थर दिया जाता था। पूरी दुनिया में एस्केलेपियस देवता ने चंगा कर दिया, सांपों ने चंगा कर दिया, उसकी गवाही जाती थी पूरी दुनिया में, काले पत्थर के ऊपर उनका नाम लिखा होता था, और वो एक मन्ना खा के वहां से जाते। सुनिए यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है, सुने ध्यान से, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा केवल 17 वचन। ही हू हैज एन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस, जिसके कान है वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या कहता है। टू हिम ही ओवरकम्स, टू हिम हु ओवरकम्स आई विल गिव सम ऑफ द हिडन मन्ना टू ईट, मैं गुप्त मन्ना खाने के लिए दूंगा। क्योंकि एस्केलेपियस देवता जो है, जब लोग वहां पे ठहरते हैं, देवता उनको दर्शन देता है रात को ख्वाबों में, सांप लौटते हैं बदन के ऊपर और सांप चंगा कर देते हैं, तो मन्ना दिया जाता है लोगों को खाने के लिए प्रसाद के तौर पे। यीशु मसीह कहता मैं दूंगा गुप्त मन्ना जो स्वर्ग में रखा हुआ है, और वो काला पत्थर देते थे उस पे नाम लिख के। तो सुने यीशु मसीह क्या कहता है, एंड आई विल गिव हिम ए व्हाइट स्टोन एंड ऑन द स्टोन ए न्यू नेम रिटन। वो एस्केलेपियस देवता के मंदिर में तो काला पत्थर मिलता है और आपका पुराना नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, यीशु मसीह आपको सफेद पत्थर देगा, व्हाइट स्टोन, उस पे आपका नया नाम लिखा है जो कोई नहीं जानता। यीशु मसीह कह रहा है एस्केलेपियस देवता, जो दुनिया का मेडिकल साइंस का देवता है, जो दुनिया का दवाइयों का देवता है, फार्मेसी का देवता है, मेडिसिन सर्जरी का देवता है, वो केवल आपको काले पत्थर पे नाम लिख के दे सकता है पुराना नाम, वो केवल आपको थोड़ा प्रसाद दे सकता है खाने के लिए, मैं स्वर्ग का मन्ना दूंगा खाने के लिए। और यीशु मसीह कहता है वो तो काले पत्थर पे पुराना नाम लिखता है, मैं नया नाम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं नया जन्म देता हूं, नया जीवन देता हूं, तेरे जीवन को रूपांतर कर देता हूं। ये दुनिया का मेडिकल सिस्टम, ये दुनिया का विज्ञान, ये दुनिया की साइंस टेक्नोलॉजी वो नहीं कर सकती जो मेरा लहू कर सकता है। हालेलुया, मैं उसे दूंगा, क्या क्या दूंगा, सफेद पत्थर पे लिख के उसका नया नाम। हालेलुया, जिसे कोई और नहीं जानता, कोई नहीं जानेगा आपके उस नाम को, नया नाम यीशु मसीह लिख के देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह इक्लिप्सिस देवता को अपने संग कंट्रास्ट कर रहे हैं। इक्लिप्सिस देवता भी लकड़ी पे लटका है, सांप लटका है जिसे इसराइली देख के चंगा हो गए हैं, और इधर खुदा का बर्रा लटका है लकड़ी के ऊपर, बेदाग बेऐब मेमना लटका है, वो भी चंगा करता है, लेकिन वो चंगाई परमानेंट नहीं है, ये चंगाई परमानेंट है, ये अंदर भी चंगा करता है बाहर भी चंगा करता है। वो केवल आप, उसकी चंगाई केवल इस दुनिया तक है, वो नया नाम नहीं आपको दे सकता। यीशु मसीह आपको सफेद पत्थर पे लिख के नया नाम देता है। हालेलुया। तो ये देखिए ग्रीक पैंथियन की सारी बातें, इसे इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, ग्लोबलिस्ट जो दुनिया को रीसेट कर रहे हैं, दुनिया की रीसेटिंग हो रही है, शैतान की आमद की तैयारी हो रही है, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्रिस्टोस आने वाला है, ये दुनिया बदलने वाली है भाई और बहनों। ये जितने दुनिया के धर्म पंथ, दुनिया की मिथोलॉजी, उनके अंदर ये ज्ञान है, कैसे हर परमेश्वर की सच्चाई को शैतान ने ट्विस्ट किया है। नू के फ्लड की गवाहियां पूरी दुनिया के अंदर फैली हैं, एपिक ऑफ गिलगमिश पढ़े बेबिलोनियन लोगों का, पूरी पूरी कहानी को रिवर्स कर देते हैं लोग अपने धर्म में, अपने पंथ में, अपने कल्चर में। तो ये सब कहानियां, जैसे इस्लाम के अंदर बहुत सी प्रोफेसीज हैं इस्लाम में, जो बाइबल की प्रोफेसी को इन्वर्स कर दिया, उल्ट कर दिया है, जो इस्लाम के अंदर है, क्योंकि ये ज्ञान शैतान ये सारा ज्ञान जानता था, और वॉचर्स जो हैं फॉलन एंजल, उन्होंने ये सारा ज्ञान फैला दिया। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है वो ये सब चीजें जानता है। ये है करप्ट मेडिकल सिस्टम दुनिया का, जो ऐसे रॉड पे सांप लटका है,
ये दुनिया का करप्ट मेडिया तो कर भला नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये आपको स्वर्गीय मन्ना नहीं खिला सकता। ये जो सिस्टम है ये आपको नया नाम नहीं दे सकता। यीशु मसीह आपको स्वर्गीय मन्ना खिलाता है, यीशु मसीह आपको नया नाम दे देता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे गुप्त मन्ना खिलाऊंगा। हालेलुया। तो एक कदुसिस है जिसपे दो सांप हैं, एक एस्केलिपियस देवता का रॉड है जिसके ऊपर सांप लटका है। आप का ईमान किधर है? मुझे यीशु मसीह ने सुपर नेचुरली चंगा किया, मैं मर जाता अगर प्रभु मेरे जीवन में ना आया होता। मेरी माता को प्रभु ने मौत के मुंह से 3-4 बार बचा लिया जब डॉक्टर छोड़ गए थे सब कुछ, यीशु मसीह के चरणों में आए। वो केवल चंगा नहीं करता है, वो खुद चंगाई। अब एक वचन दे रहा हूं, ध्यान से पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और उसका आखिरी वचन 23 वचन सुने प्रभु क्या कहता है। एंड द साउंड सॉरी 23 वचन द लाइट ऑफ ए लैम्प शैल नॉट शाइन इन यू एनी मोर। ये बाबुल की नगरी का विनाश हो रहा, प्रभु कह रहा ज्योति नहीं चमकेगी तेरे अंदर, दिया नहीं जलेगा। 23 वचन लाइट शैल नॉट शाइन इन यू एनी मोर एंड द वॉइस ऑफ ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड शैल नॉट बी हर्ड इन यू एनी मोर। दूल्हा दुल्हन लाड़ा लाड़ी की आवाज नहीं आएगी क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। हालेलुया। अपनी चेस्ट वर्जन को, ऐसी दुल्हन जिसने व्यभिचार नहीं किया जगत के साथ, जो पवित्र कुआरी है जिसके अंदर कलाम की रोशनी जलती, उसे ले जाएगा। आगे कहता फॉर योर मर्चेंट्स वर द ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ। ये व्यापार कर रहे हैं तेरे संग अमीर लोग। ये झूठी कलीसिया है जिसके अंदर कारोबार चल रहा है प्रभु के नाम पे, बिजनेस चल रहा है। प्रभु नहीं है, प्रभु के नाम पे बिजनेस चल रहा है। ये शैतान की मंडली है, झूठी कलीसिया। तो इसका विनाश होगा और प्रभु क्या कहता है, फॉर बाय योर सॉर्सरी ऑल नेशंस वर डिसीव्ड। तेरी जादूगरी से, हिंदी में लिखा है, पृथ्वी की सब कौमें धोखा खा गई तेरी जादूगरी। सॉर्सरी अंग्रेजी में, आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? यूनानी भाषा में असली शब्द है फार्माकिया। फार्माकिया वो शब्द है जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है फार्मेसी। बाइबल के नए नियम की भाषा में फार्मेसी, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, दवाइयां, एल्केमी, चीजों को मिक्स करना, पोषण बनाना, एल्केमी और जादूगरी एक ही शब्द। जब आपकी मेडिकल साइंस प्रभु के संग नहीं जुड़ी है, जब आपका चिकित्सक विज्ञान प्रभु के संग नहीं जुड़ा है, यहां पे लिखा तेरी जादूगरी अर्थात तेरी मेडिकल साइंस से पूरी दुनिया धोखा खा गई। दुनिया धोखा खा रही है भाई और बहनों, कोरोना वायरस। कोरोना अपोलो की बीवी है और कोरोना इक्लिप्सियन, इक्लिप्सियन जो देवता है, ऐसे रॉड के ऊपर जो सांप लटका है वो चंगाई का देवता है ग्रीक लोगों का, एक्लिप्सियन। उसकी मां है कोरोना। हालेलुया। तो पढ़ें वचन को, जानें परमेश्वर के कलाम की सच्चाई क्या है और प्रभु की ओर मुड़े। हालेलुया। प्रभु मैं जितने लोग इस समय ऑनलाइन कनेक्ट हैं, इनमें से एक एक को तेरे कील सीधे हाथ में देता हूं, तेरे लहू की ओट में लेके आता हूं, तेरे सच्चे कलाम का ज्ञान और प्रकाश लोगों तक फैले। प्रभु बीरियन की तरह लोग हों, बीरिया की कलीसिया की तरह, जो प्रभु दिए जला के तेरे कलाम को पढ़ें, अध्ययन करें और पवित्र और धर्मी और सच्चा जीवन जिएं, यहोवा के भय के आत्मा में चलें, ऐसी बरकतों ले लिए। प्रभु ये जो कॉस्मेटिक क्रिश्चियनिटी है, ये जो दिखावे की क्रिश्चियनिटी, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है क्रिश्चियनिटी, जो चर्चेस के अंदर एंटरटेन किया जा रहा लोगों को, प्रभु तेरा सच्चा कलाम भेज। जहां पे ह्यूमन एजेंडा, ह्यूमन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं चर्चेस के अंदर, तेरा सच्चा कलाम, तेरी सच्ची हजूरी नहीं है। प्रभु तेरा आत्मा काम करे इन अंतिम दिनों में, ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग सच्चे वचनों के संग जुड़े, तेरे सच्चे सेवक और दासों को खड़ा कर, एक एक जन को बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन।
प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। 12 माउंटेन्स जिनके ऊपर यीशु मसीह चढ़ा, 12 माउंटेन्स दैट जीसस क्लाइम्ब अप, उनमें से दो पहाड़ों की बात की है हमने आज सुबह, वो बाकी 10 पहाड़ों के ऊपर, दो दो पहाड़ों के ऊपर एक एक सेशन में हम बात करेंगे और प्रभु के वचनों को सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको ये सेवकाई से बरकत मिलती है, आशीष मिलती है और आप योग्य हो, आपके दिल में प्रभु यहोवा डालता है, तो प्लीज बीज बोना सेवा के लिए। अगर आप सक्षम हैं, परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है और परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलता है, काइंडली सो अ सीड। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। सबको जय यीशु मसीह, जय मसीह।